वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था माजी। मैं बहुत प्यार से हमारे नए संसार की शुरुआत करने के लिए उसे अपने कमरे में लेकर से अपने कमरे। ये हमारा कमरा है। अरे तुम बैठो 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 बैठो। ताला देख रही हो? याद से तुम्हें इस कमरे में बंद रखेगा। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि तुमने कोई गलती की है, बल्कि इसलिए ताकि कोई तुम्हें उसे छीन ना सके। तुम बैठो, आराम करो। कहाँ जा रही हो बिंदिया? जा रहे थे मुझे। तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे। तुम कहीं नहीं जाओगी। वहां से धक्का देकर भाग गई, लेकिन उसने मेरा पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। हर जगह हर कदम पर वो मेरा पीछा करता रहा। उसका साया मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर छा गया, क्योंकि वो मुझे किसी भी सूरत में भूलने को तैयार ही नहीं था। फिर बिंदिया ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? शायद वो मेरे प्यार को समझ नहीं पाई, नहीं समझ पाई कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, और एक दिन अचानक मुझे धोखे से छोड़कर चली गई। उसके अत्याचार से बचने के लिए, उसके पागलपन से दूर जाने के लिए हम लोग अदालत छोड़कर जामनगर आ गए। उसे बताए बगैर धीरे धीरे मेरी जिंदगी संभलने लगी। मैं उसके अत्याचार को भूलकर नॉर्मल लाइफ जीने लगी, खुश रहने लगी। और फिर अचानक एक दिन खुशियों का मसीहा बनकर रोहित मेरी जिंदगी में आया, और शादी के बाद का तुम्हें सब कुछ बताया पाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे दोबारा ढूंढ लेगा, मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए फिर से आ जाएगा। और उसके बाद मैं सालों तक अपनी पत्नी को ढूंढता रहा, और जब वो मिली तो वो किसी और की हो चुकी थी। अब आप ही बताइए माँ जी, कैसे कोई पति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो, जिसने जिंदगी जीने के बजाय सिर्फ दिन रात इंतजार किया हो, कैसे वो उसे किसी और के साथ देख सकता है? फिर भी अपने संस्कारों और शराफत की वजह से मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। कभी बिंदिया का बुरा नहीं चाहा, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ गलत करती रही, गलत बोलती रही, मुझसे नफरत करती रही। शायद मैं आज भी चुप रहता, लेकिन आपने मुझे बेटा कहा है, तो भला एक बेटा अपनी मां से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है? और इतना तो आप भी मानेंगी ना माँ जी, कि बिंदिया पर मेरा अधिकार है।
क्योंकि मैं उसका पहला पति हूं, क्योंकि मैंने ना सिर्फ उसका इंतजार किया, मैंने उससे बहुत प्यार किया, उससे बहुत प्यार किया, उससे बहुत प्यार किया। माँ जी, माँ जी, मैं समझ सकता हूं ये सब सुनकर आपको सदमा लगा है, पर आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी ऐसा ही लगता, मगर माँ जी सच्चाई यही है, बिंदिया इस घर की बहू होने से पहले मेरे घर की बहू है, रोहित से पहले वो मेरी पत्नी है। मैंने तुम्हारी सास को ऐसी कहानी सुनाई है कि रोहित और वो खुद तुम्हें मेरे हवाले कर देंगे। हाँ, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, आई एम सॉरी, पर वो कहावत है ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यही है मेरी कहानी पाए, चली थी किसी का भला करने, बुराई आके आके अच्छा करने की भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा देगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तक तो उसने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया होगा, सब बता दिया। मैंने सोचा भी नहीं था, जिसे मैंने इतना प्यार किया, जिसे मैंने अपने कोख के बेटे से भी ज्यादा माना, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। क्यों बिंदिया, क्यों तुमने मेरे और मेरे बेटे के विश्वास का इतना बुरी तरह से गला घोटा, क्यों तुमने हमारे प्यार का खून कर दिया बेटा? मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। प्लीज मेरी बात तो सुनिए मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब नहीं विद्या, मैंने तुम्हें बोलने का मौका दिया था क्योंकि तुम मेरी बहू थी, पर अब नहीं। तुमने मुझे और मेरे बेटे को अंधेरे में रखा, लेकिन अब मैं बता दूंगी। मैं रोहित को सब कुछ बता दूंगी, बता दूंगी उसे कि जिसे वो इतना प्यार करता है, जिसे वो अपनी पत्नी मानता है, वो उसकी पत्नी नहीं, वो किसी और की पत्नी है। भावना काकी, प्लीज प्लीज आप रोहित से कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूं, इतना कुछ जानने के बाद मैं क्यों चुप रहूं पायल? मेरे बेटे को भी तो पता चले कि उसके पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। मैं उसे और अंधेरे में नहीं रखूंगी। मम्मी जी, उसने आपको जो कुछ भी बताया है सब गलत बताया,
हमारी शादी हकीकत में शादी नहीं थी, मगर क्या बिंदिया, तुम्हें जो बताना चाहिए था वो तो तुमने बता दिया, अपनी जुबानी तुमने कबूल कर लिया बिंदिया। मम्मी जी बस बताना, मेरे मुझ पे और कुछ सहने की सुनने की हिम्मत नहीं थी, अब तुम्हें जो कहना है सुनना है वो तुम रोहित से सुनना, रोहित से सुनना, रोहित से सुनना। भूल जाना कि तुम्हारी एक माँ भी थी, माँ भी थी, माँ भी थी, माँ भी थी। भूल जा मम्मी जी। देखा बिंदिया, बस और कुछ पल, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में दोबारा लौट आओगी। जैसे ही तुम्हारी मम्मी जी रोहित को हमारी रिश्ते की हकीकत बताएंगी, उसी वक्त रोहित तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा और उसके बाद तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी, अनिरुद्ध की। यकीन मानो बिंदिया, ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा बिंदिया, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकती। पिछली बार पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। देखा पाया, आज एक झूठ ने सच को हरा दिया, आखिर उसने मेरी जिंदगी तबाह कर ही दी। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जब दिल से डरी निकल गया है तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर मेरा नाम लेने से डरेगा। विंध्या, क्या करोगी तुम? हाँ, लड़ोगी उससे? और तुम्हें क्या लगता है वो चुपचाप यहां बैठा रहेगा? तुम्हें पता है वो तुम्हारी शादी की बात को लेकर पूरे घर में तहलका मचा देगा। बताओ पायल, मैं क्या करूं? तुम इस वक्त उससे कुछ मत कहो, तुम जो भी करोगे तुम्हें बहुत समझदारी से करना होगा। और हाँ, इस लड़ाई में तुम अपने आप को अकेली मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा, ये अनिरुद्ध का रुमाल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? उसने धोने के लिए दिया होगा माँ, गलती से यहाँ आ गया। Don't feel bad, हाँ बेटा, लेकिन हर बात को इतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये कि ये आदमी जब से इस घर में आया है कितनी आसानी से सबसे दोस्ती कर ली इसने, कहा? हाँ माँ, सही कहा। कुछ लोग मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी सबका दिल जीत लेते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ बेटा, अगर ऐसा कोई आदमी हमारे घर पर आ जाए तो हमें अपनी बहुरानियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये किसी के कदम बहकने में देर थोड़ी ना लगती है, कम माँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो? सोचना पड़ता है बेटा, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं अनिरुद्ध ने खुद ही रुमाल तो यहां नहीं छोड़ा,
इतना ज्यादा सोचना अच्छा भी नहीं होता। लाइए रुमाल मुझे दीजिए, मैं अनिरुद्ध को देकर आता हूँ। महेश वो पायल में ये रुमाल अनिरुद्ध को देकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है महेश, क्योंकि ये रुमाल अनिरुद्ध का नहीं है। और ये जरूरी तो नहीं है ना महेश कि जिस भी रुमाल पर ए लिखा हो वो अनिरुद्ध का ही हो। लाओ ये रुमाल मुझे दे दो, कल जब धोबी आएगा तो मैं उसे वापस दे दूंगी। गलती से शायद ये रुमाल हमारे पास आ गया हो। ये भी तो ठीक है ना माँ, तुम भी ना बेकार की बातों का टेंशन मत लिया करो। मैं वॉकर क्या था ये आप क्या कर रही है मम्मी जी? अपनी ही बहू के खिलाफ अपने बेटे के कान भरना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो अब तुमने मेरी जासूसी करने भी शुरू कर दी। शर्म नहीं आती तुम्हें छिप छिप कर अपनी सास की बातें सुनते हुए? और ये आप क्या कह रही थी महेश से कि अनिरुद्ध ये रुमाल खुद यहाँ पर छोड़कर गया है? आखिर आप क्या साबित करना चाहती हैं? साबित तो बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं और करूंगी। बस आज से तुम उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो। इट डोंट फील बैड, हाँ? हे माँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अपने पति की रक्षा करते करते मैं उसी से दूर होती जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना माँ, अपने पति की जान बचाने की कोशिश में उसका दिल दुखा रही हूँ मैं। पर आप तो जानती हैं कि मैं मजबूर हूँ और अपने पति को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझे शक्ति दीजिए माँ कि बाबा की बताई हुई शर्तों का मैं अच्छी तरह से पालन कर सकूं। अम्बाजी जाने की बात की तुमने जानकी से? हाँ बात तो की, माँ उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा ऐसा कहा उसने? वो तो सुबह से बिल्कुल ठीक लग रही है, उसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो बीमार है। क्या हुआ जानकी, तुम रो रही हो? तुम्हारे और समीर के बीच सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी नहीं पायल, मेरे और समीर के बीच में कोई गलत फहमी नहीं है। जानती हो आज सुबह मेरी आंख खुली और मैंने देखा समीर ने मेरी पैकिंग कर रखी है। कह रहा था वो मुझे अम्बाजी के दर्शन के लिए ले जाना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा अगर उसकी तबीयत खराब होती तो वो ऐसे हंस तो नहीं रही होती। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने नहीं जाने के लिए बहाना बना दिया तुम्हारे सामने। अरे समीर तुम आज जल्दी आ गए। अब मेरे जल्दी आने से भी प्रॉब्लम है तुम्हें? और क्या कहा था तुमने, तबीयत खराब है तुम्हारी, राइट? वो